क्या खूबसूरत व्यू है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है इस वक्त। तो साइलेंस है हर तरफ और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं और आई फील इट, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस, आई फील इट रियली। अट्रैक्टिव किस्म का व्यू है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे इस तरह की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का। मतलब मैंने इस जगह को पहले विज़िट किया हुआ है, लेकिन मैंने इस पे व्लॉग नहीं बनाया था। तो टुडे आई वांट टू शेयर विद यू कि इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं, इतना खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड। सच में अगर किसी ने कहा है कि ज़मीन पर अगर जन्नत का टुकड़ा किसी प्लेस को कहा जा सकता है, किसी कंट्री को कहा जा सकता है, तो आई थिंक अबाउट स्विट्ज़रलैंड सहर फहरिस्त में होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, मैं आपको 360 पे दिखा देता हूँ रोटेट करके, और बहुत ही प्यारा व्यू है इस वक्त। मेरे इर्द गिर्द जो है एवरीवेयर लैंडस्केप व्यूज़ आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। हर तरफ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और पीछे आपको बैल्स के गले में जो घंटियाँ लटकी होती हैं उसकी थोड़ी 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 बिट साउंड सुनाई दे रही होगी, बिकॉज पीछे काफ़ी सारी जो है गायें बैल्स वगैरह जो है खुली पड़ी हुई हैं। लाइक नेचर, जिस तरह एक नेचुरल माहौल होता है, कुदरती माहौल। तो बहुत ही अच्छी प्लेस थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, इसको आपके साथ जो है शेयर किया जाए। तो इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आई रियली इन्जॉय दिस प्लेस, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड है ऊपर लिटल बिट, लेकिन मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मतलब मुझे नहीं था पता कि थोड़ी बहुत ठंड होगी। और मैंने शॉर्ट पहना हुआ है नीचे, यू नो आप देख सकते हैं, मैंने फुल ट्राउज़र नहीं पहना और ना पैंट पहनी हुई है, बल्कि मैंने शॉर्ट पहना है। तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठने की भी जगह हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो एक अच्छा विजिटिंग पॉइंट्स है व्हेन यू आर फील टू, जब आप चाहें नेचर के बहुत ज़्यादा करीब, तो ऐसी जगहों को जो है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसी जगहों पे आना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट प्लेस नियर विस संगाल, एंड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और ये दूर भी नहीं है हमसे। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई रियली लव दिस। सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग चीज़ यहाँ पे इस वक्त लग रही है मुझे, वो ये कि जो सूरज की शवाएँ पड़ती हैं इस पहाड़ पे, ठीक है, माउंटेन्स पे, तो सूरज की जो शवाएँ पड़ने से जो चमक आती है पहाड़ पे, दैट्स अमेजिंग। देखिए आप देख सकते हैं जो सूरज की जो रेज़ होती हैं, शवाएँ होती हैं, तो वो जब इस पहाड़ पे पड़ती हैं तो देखो कितना अमेजिंग किस्म की एक अलग सी चमक दमक सी आ रही है पहाड़ पे, और कितना ब्यूटीफुल कुदरत का नज़ारा, अमेजिंग। अभी मैं थोड़ा पहाड़ के करीब आया हूँ, बिकॉज पीछे इस चीज़ को सुने, हाँ इसको सुनने के लिए मैं आया हूँ। ये जो बेल्स की घंटियाँ जो गले में जो बज रही हैं, इट साउंड्स लाइक वेरी ऑसम। सो मैं इसको सुनने के लिए, थोड़ा करीब से सुनने के लिए मैं थोड़ा करीब आया हूँ।
इस वक्त जहाँ पे लोग बहुत कम हैं बाहर, वैसे काफ़ी सारी पार्किंग में तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन इधर जो है इर्द गिर्द लोग काफ़ी कम हैं। शायद लोग होटल्स में हैं कहीं, बिकॉज़ नज़दीक होटल्स भी हैं तो शायद लोग होटलों में हैं, लेकिन बाहर जो है इस वक्त लोग कम हैं। इस वक्त जो बाहर निकले हुए हैं वो कम हैं, तो ओवरऑल साइलेंस है और इंजॉयमेंट है और लैंडस्केप व्यूज़ हैं और बस फीलिंग्स फीलिंग्स है मेरी मेरे साथ। बहुत मज़ा आया है अभी इवनिंग में जो है, मैं बाहर निकला हूँ, काफ़ी अच्छा फील किया, मज़ा आया। आई नो, अगर यहाँ पे ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने थे। उससे मतलब आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा शायद काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी वाजिया तौर पे लगा सकते थे, लेकिन फिर भी इट्स अमेजिंग। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस प्लेस। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा।